अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक विद टॉपिक टेंसेस एंड टुडे वी शुड डील विद पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स बिगिन। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। इट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर वन थिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। नंबर वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूअस आता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दीज सिक्स टेंसेस टेक इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, सिमिलरली ऑल परफेक्ट टेंसेस, वेदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इट ऑलवेज टेक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रिमेंबर दैट। ओके, तो सब पहले बेटा आप ये देखेंगे ये स्ट्रक्चर कैसे बना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में इट टेक्स सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो बेटा अब हमें क्या करना है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। अब हैव का पास्ट क्या है, शुभाष, इट इज हैड, एंड पास्ट ऑफ हैज इज आल्सो हैड, तो दोनों का हैड है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड। नाउ लेट्स टेक अवर सब्जेक्ट्स और प्रोनाउंस हियर, आई, वी, यू, ही, शी एंड दे। नाउ लेट्स टेक इट, तो यहाँ पे हम जो बेटा वर्ब लेंगे वही गो ही लेंगे। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। ओके, तो आई हैड गॉन टू स्कूल, accordingly we had gone to school, you had gone to school, he, shabash, he ke sath kya aayega, had, hads nahi aayega, so kya, we counted s and s with past forms, he had gone to school aayega, nahi aayega, kyunki s aur es hame add karna hai kab, subject ke baad, okay, to yahan bhi add nahi hoga because it is past. He had gone to school, she had gone to school, they had gone to school. Okay? So it is the structure and these are the examples of past perfect. Now let's understand what is this past perfect. ठीक है बेटा, तो past perfect कौन सी action दिखाता है? तो it shows, अगर आपको याद होगा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था, इट शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस। तो पास्ट परफेक्ट क्या दिखाएगा बेटा, ये भी दिखाएगा, ये भी क्या दिखाता है, इट शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस, मगर डिफरेंस क्या है, इन द पास्ट, है ना, सिंपल। इट शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, यानी ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट हमें दिखाता है, ये भी दिखाता है जस्ट कंप्लीटेड एक्शंस, मगर पास्ट में जो हो गई हो। फॉर एग्जांपल, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका या जा चुकी थी। गेटिंग मी अकॉर्डिंगली, फिर आप बाकी भी ट्रांसलेट करेंगे, हम स्कूल जा चुके थे, तुम या आप स्कूल जा चुके थे, वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, वो स्कूल जा चुके थे। ओके, मगर बेटा अगर आप देखेंगे, मैं स्कूल जा चुका था, ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, कब, इट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। तो इसलिए पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए बेटा हम पास्ट परफेक्ट में ऐड करते हैं पास्ट सिंपल को, याद रखिए।
वाई टेंस है आउट ऑफ 12 टेंसेस, पास्ट परफेक्ट जो हमें इन इट सेल्फ कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तो कंप्लीट सेंस के लिए हम इसको ऐड करते हैं पास्ट सिंपल। तो मैं ऐसे कहूँगा, आई हैड गॉन टू स्कूल वैन यू, इसी सेंटेंस को लेते हैं, आई हैड गॉन टू स्कूल, इट इज़ क्लियर टू, इट इज़ पास्ट परफेक्ट, ठीक है। वैन यू केम, तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कम केम कम, ठीक है। यानी जब आप आए, मैं स्कूल जा चुका था, या मैं स्कूल जा चुका था जब आप आए। तो हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, देखो बेटा, नाउ हेयर आर टू फ्रेंड्स ए एंड बी, तो ये दोनों स्कूल जाते हैं, एक साथ जाते हैं, फ्रेंड्स हैं, आते भी एक साथ हैं, हाँ। तो अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये इसको लेट होता है, ये 10:10 AM को बी के घर आता है, मगर जब जब ये बी के घर पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल इट इज आदिल एंड बासित। अब आदिल जब बासित के घर जाता है तो बासित वहां पे नहीं होता है, तो उसकी माँ कहती है, अरे बेटा बासित आपका अब तक वेट कर रहा था, और गेटिंग मी, तो वो अभी निकल चुका है, जल्दी करो, वो रास्ते में ही होगा। तो आदिल फिर जाता है बासित की बात, अभी नेक्स्ट डे, क्योंकि अब आदिल नाराज़ होता है बासित से, ठीक है, से बात नहीं करता है। तो नेक्स्ट डे अब बासित आदिल से कहते हैं, आप यार मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, चलो मुझसे बात मत करो, कि जब मैं कल आपके घर आया आपने मेरा वेट ही नहीं किया। तो बासित कहता है, आई हैड गॉन टू स्कूल वेन यू केम, मेरे यार मैं उसी वक्त निकला था, इट मीन्स दैट आई हैड जस्ट लेफ्ट द स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, यानी मैं उसी वक्त जो ही आप आए कुछ मिनट पहले ही मैं निकल चुका था। तो इसका मतलब ये है, ही हैड जस्ट लेफ्ट, आर यू गेटिंग मी, तो ये दिखाता है कि ये जस्ट कंप्लीट एक्शन थी, यू गॉट इट। अकॉर्डिंगली द पेशेंट हैड डाइड व्हेन डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था जब डॉक्टर आया, आर यू गेटिंग मी, सो देयर इज सम कमोशन ओके इन द हॉस्पिटल। तो फिर केस आता है, तो जो वहाँ पे गवाह होते हैं वो कहते हैं कि द पेशेंट, हाँ डॉक्टर साहब तो आ गए, मगर द पेशेंट हैड डाइड, यानी जो ही डॉक्टर वहाँ पहुँचा तो उसे कुछ मिनट पहले ही मरीज मर चुका था, इट शोज पास्ट परफेक्ट एक्शन ओके। यू कैन जस्ट मेक अ ड्रिल बाय योरसेल्फ ओके एंड राइट इट्स ट्रांसलेशन। लेट्स मूव टू लास्ट टेंस ऑफ पास्ट, एंड इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ओके। नाउ इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस, कमॉन बेटा, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन के बदले क्या आएगा, अब हैड बीन आएगा, हाँ हैड बीन, शाबाश। कंटिन्यूस मैंने कहा ना, कंटिन्यूस में से कौन सी फॉर्म आती है, इंग फॉर्म, सो इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, कमॉन याद रखिए बेटा, जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उनमें हमेशा बीन यूज होगा। क्या यूज होगा, आप कहेंगे सर बी कहाँ से आया, तो ये बीन कहाँ से आएगा, बी से, बी वॉज बीन बींग, तो बी की पास्ट फॉर्म वॉज है, पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू गॉट इट, इसकी फोर फॉर्म्स हैं, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीन ही आएगी, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, और इंग यहाँ पे कंटिन्यूस भी है तो इंग फॉर्म आएगी, है समझ। पास्ट की जगह हैड आएगा, परफेक्ट की जगह बीन आएगा, और कंटिन्यूस की जगह इंग फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट है। तो जो भी बेटा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज है उनमें हमेशा सिंस और फॉर यूज होता है, याद रखिए, प्लस सिंस और फॉर, इट्स क्लियर टू यू,
Now, for shows us period of time and since shows us point of time. For example, I had been working since morning. Okay. Accordingly, we had been working since morning. You had been working since morning. सिंस मॉर्निंग के बदले आप 5 hours भी लिख सकते हैं. आई हैड बिन वर्किंग फॉर 5 hours, फॉर 3 hours, फॉर 20 minutes, वट एवर यू लाइक. ओके, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. तो पहले बेटा ट्रांसलेशन पे आते हैं, फिर ये क्लियर करते हैं व्हाट इज दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, तो ट्रांसलेट क्या होगा? शाबाश, मैं सुबह से काम कर रहा या कर रही थी. ठीक है, था या थी आएगा. मैं सुबह से काम कर रहा था, मैं सुबह से काम कर रही थी. ओके, तो अकॉर्डिंगली हम सुबह से काम कर रहे थे, तुम या आप सुबह से काम कर रहे थे, वो सुबह से काम कर रहा था, वो सुबह से काम कर रही थी, वो सुबह से काम कर रहे थे. अब ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? सो इट शोज एन एक्शन दैट बिगैन एट सम टाइम in the past and was in progress up to a certain time in the past. So, beta, it means that past perfect continuous jo tense hai, ek to ye past hai beta, action kya hai, past hai, perfect bhi hai aur continuous bhi hai. अब ये क्या होता है, ये पास्ट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है. तो ऐसे मैं कहता हूँ बेटा, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा था. तो हैड यहाँ पे पास्ट का जिक्र हो रहा है कि मैं सुबह से काम कर रहा था. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल बेटा, इट वाज कल, क्या कौन सा डे था? थर्सडे था ना. ऐसे मैं आपको समझाता हूँ बेटा. फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को क्या हुआ, यही दो फ्रेंड्स समझेंगे, आदिल एंड बासित. एक्चुअली ये सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ओके, अब देखिए बेटा, आदिल जो है बेटा ये बासित के घर जाता है ताकि बासित को अपने साथ ले क्रिकेट खेलने के लिए. तो डे कौन सा है? थर्सडे है. जब आदिल बासित के घर जाता है, उसे कहता है चलो यार क्रिकेट खेलते हैं, हाँ आओ मेरे साथ. तो आदिल कहते यार आई एम वेरी टायर्ड मैन, आई कॉन्ट कम विद यू. हाँ, नाउ बासित लिव्स इन दिस गाय, सॉरी नाउ इन अ डिजेक्टेड मूड. हाँ, नाउ अब बासित गोज टू प्ले ग्राउंड अलोन बाय हिमसेल्फ. अब अगले दिन ही मिलते हैं. तो बासित आदिल से कहते यार कल आप मेरे साथ नहीं आए, हाँ यू आर नॉट ए गुड फ्रेंड, आई फेल्ट वेरी अलोन, आई कुड नॉट एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट. हाँ, तो आदिल कहे यार मैं आपके साथ आता, पता है मसला क्या था यार, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है यार, मैं सुबह से काम कर रहा था, जब आप आए मैं उस टाइम भी काम कर रहा था, आपने देखा मैं बिजी था यार, मगर मसला यह है मैं फिर भी आता, बट आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा था. यू गॉट इट? यानी एक तो पास्ट का जिक्र है सुबह से, क्योंकि आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे है ना आज, तो ये थर्सडे का जिक्र कर रहे हैं. तो एक तो पास्ट है, अब सुबह से ये काम कर रहा था कौन? आदिल. फॉर एग्जांपल बेटा, इसने जो इस जो ये काम कर रहा था उसका 60% फिनिश किया था, 60% फिनिश किया था जब बासित वहां चला गया. ठीक है, तो जो ही बासित वहां पहुंचा तो 60% इसने फिनिश किया था या 70%. इट मीन्स दैट आदिल उसको खुद रेस्ट कर रहा था, तो बासित को लगा यार ये बैठ ही रहा है मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, फिर उसे अपना फ्रेंड समझा रहा है एक्चुअली आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हाँ मैंने बहुत कुछ फिनिश भी किया था, बट इट वॉज इन प्रोग्रेस, इट वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस.
आर यू गेटिंग मी? कुछ वर्क इनकम्प्लीट थी इसलिए मैं नहीं आया. यू गॉट इट? सिमिलरली यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेज ऑन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग्स दिस मॉर्निंग. ओके. और आई हैड बीन राइटिंग फॉर 5 मिनट्स. सो दिस इज हाउ वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद फ्यूचर टेंस. टिल देन टेक केयर एंड फी अमानुल्लाह.